कभी आपने सोचा है कि एक बहरी जहाज जो कि 7,000 से 8,000 कंटेनर्स लेकर चलता है, फिर भी ये कंटेनर्स गिरते नहीं, लेकिन क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर इन कंटेनर्स को ध्यान से देखें तो उनके कॉर्नर्स ऐसे देखने को मिलेंगे। ऐसे कॉर्नर्स को कॉर्नर कास्टिंग कहते हैं। इनको ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि एक दूसरे के साथ अटैच हो सकें और उठाने में उनको आसानी हो। ये होता है ट्विस्ट लॉक। जब कंटेनर्स को एक बहरी जहाज पर रखा जाता है और उसको ट्विस्ट लॉक की मदद से एक दूसरे के साथ अटैच किया जाता है। ऐसे ट्विस्ट लॉक जहाज के डेक पर भी होते हैं जो कि कंटेनर्स को डेक के साथ अटैच करते हैं। अब साइड कंटेनर्स को अटैच करने के लिए फिटिंग क्लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी ये सब काफी नहीं है। इसलिए डेक पर डेक आई बनाई होती है और इसमें लाइनिंग रॉड की मदद से कंटेनर्स पर एक्स फ्रेम बनाया जाता है, जिससे कंटेनर्स एक ही पोजीशन में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी एहतियात के बावजूद बहुत से कंटेनर्स फिर भी समुंदर में गिर जाते हैं।